बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं आज दिन की 15 बड़ी खबरों पर। शराब नीति मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मंगलवार को दोपहर 12 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। बिहार के नवादा से सामने आई एक तस्वीर लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। जो तस्वीर सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि नवादा में आरजेडी टूट के कगार पर है। आरजेडी को झटका देकर पार्टी के दो विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए हैं। वहीं क्षेत्र के तीसरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से ही गायब है। नए फॉर्मूले के तहत पार्टी राज्य को छोटे छोटे दलों के एनडीए में शामिल होने में जुट गई है ताकि इन दलों के सहारे वे राज्य के सामाजिक समीकरण को साध सके। इस पर तमिलनाडु में 9 दलों को एनडीए शामिल है। बीजेपी सूबे की इन्हीं 9 नवरत्नों के सहारे द्रविड़ राजनीति के लिए मशहूर तमिलनाडु की धरती पर भगवा झंडा फहराना चाहती है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन भेजा है। साथ ही मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव से भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है, हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस अब पीएम मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर ही कल इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिले चंदे पर सवाल खड़ा किया है। संजय ने कहा कि सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने कई सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पर्दे के पीछे से घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है जिनके आदेश से इस घोटाले का सारा डेटा सामने आ गया। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के एक दिन बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज चुनावी सभा में गरजेंगे, लेकिन इससे पहले यहां एक पोस्टर ने कांग्रेस की फजीहत करवा दी। राहुल गांधी के पोस्टर में गलती से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह खुलस्ते की तस्वीर लग गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से सांसद और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ने कहा कि 19 लाख लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी राशन पहुंचाते हैं, मुफ्त का राशन पाते हैं, तो ऐसे में परिवार को गांधी परिवार का क्या संदेश है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 यात्रियों को हिरासत में लिया गया। इसराइल के तेल अवीव में शनिवार को एक विशाल सरकार विरोधी रैली निकाली गई। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों पर एक कार चढ़ जाने से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को मामूली चोटें आई हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। टीजर काफी धमाकेदार है और उसमें अल्लू एक बार फिर पुष्पा राज बनकर दर्शकों का दिल जीतने नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पुष्पा 2 द रूल के टीजर में पुष्पा राज का इस बार फायरी अंदाज रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आईपीएल 2024 का 22वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच को चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां कोलकाता की टीम चेन्नई का किला ढहाने उतरेगी। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। बने रहें द न्यूज 15 के साथ।